हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट अ पर्सन सिटिंग इन अ ट्रेन मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू द वर्ल्ड वर्टिकली अपवर्ड्स, हाउ विल द बॉल अपीयर टू मूव टू एन ऑब्जर्वर सिटिंग इनसाइड द ट्रेन, सिटिंग आउटसाइड द स्टैंडिंग आउटसाइड द ट्रेन। सो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वट विल बी द की कंसेप्ट यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द की कंसेप्ट दैट विल बी यूज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विल बी When an object has both has velocity in both x and y direction, x and y direction, the path is parabolic. The path is parabolic. अब हम देखेंगे फर्स्ट केस में, जब एक पर्सन एक बॉल को अपवर्ड थ्रो करता है, ठीक है, तो अगर पर्सन और जो रेफरेंस फ्रेम है, मतलब जो पर्सन देख रहा है और जिस पर्सन ने बॉल को थ्रो किया है अपवर्ड, अगर वो दोनों सेम फ्रेम में है, दिस इज इन केस ऑफ सेम फ्रेम, मतलब दोनों ट्रेन में है, तो इस केस में द बॉल विल अपीयर टू मूव वर्टिकली, क्योंकि बॉल और बॉल फेंकने वाला जो इंसान है, जो पर्सन बॉल को फेंक रहा है और जो पर्सन बॉल को देख रहा है, दोनों सेम ट्रेन में है, तो मतलब दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो बॉल वर्टिकली अपीयर होगा। लेकिन अगर कोई पर्सन बाहर बैठा है तो ये पर्सन का मूवमेंट तो नहीं है, और जो पर्सन ने बॉल फेंका वो बॉल आगे ट्रेन आगे जा रहा है, तो ट्रेन में ही बॉल फेंका है, तो उसके लिए जो बॉल होगा दैट विल अपीयर लाइक इन अ पैराबोलिक पाथ, बिकॉज बॉल को वर्टिकली फेंका गया है और ट्रेन आगे जा रहा है, तो टाइम के साथ बॉल ऊपर भी जाएगा और आगे भी जाएगा उस पर्सन के लिए जो पर्सन बाहर खड़ा है। सो दिस पर्सन के लिए द बॉल विल अपीयर टू मूव इन अ पैराबोलिक पाथ, द बॉल विल अपीयर टू ट्रेवल इन पैराबोलिक पाथ, बिकॉज उस पर्सन के लिए जो कि बाहर खड़ा है, उसके लिए टाइम के साथ बॉल आगे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है, बिकॉज द ट्रेन इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। होप यू ऑल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।